السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد दीन इस्लाम दीन तौहीद है। इंसान का सबसे कीमती असासा अल्लाह की मारिफत है, क्योंकि जिसने अल्लाह खालिक व मालिक को पहचान लिया, अकीदा तौहीद को समझ लिया, शिर्क से अपने दामन को बचा लिया, वो अल्लाह की जन्नत में यकीनी तौर पर अपनी जगह बना चुका है। और सबसे बड़ा खसारा पाने वाला इंसान वो बदनसीब है जो शिर्क की दलदल में गिरा हुआ है, खालिक व मालिक को पहचानता नहीं है, अल्लाह की हकीर मखलूक को अल्लाह का शरीक बनाता है। इसका ठिकाना हमेशा की जहन्नम है, जिससे यह कभी बच नहीं सकता। और शैतान सबसे ज्यादा हरीस इसी बात पर है कि किसी तरह वो आदम के बेटों को जहन्नम का ईंधन बना दे, शिर्क के अंदर उन्हें ऐसा डबो दे, ऐसा रसिया बना दे कि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के शरीक बनाने लग जाए। क्योंकि शैतान जानता है कि जब मैं इन्हें शिर्क के रास्ते पे लेकर चलूंगा तो फिर इनकी हलाकत, इनकी बर्बादी यकीनी है। और हर दौर में शैतान ने यही हरबा इस्तेमाल किया है कि बास लोगों को तकद्दस की ऐसी चादर पहना दी कि उसके पूजने वाले फिर उनकी इबादत करने लग गए। और जब जब इंसानियत को दावत तौहीद दी गई, शैतान ने अपने बुजुर्गों की तकद्दस की चादर को ही इस्तेमाल करवाया आवाम से। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम को कौलू ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम दिया तो जवाब क्या दिलवाया शैतान ने कौम से, ला तदरुन आलिहतकुम وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا, अपने इलाहों को न छोड़ना जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, जिनको तुमने हाजत रवा मुश्किल कुशा समझा है, उनसे रू गर्दानी न करना। वद सवा यऊस यऊक नसर, ये पंचतन पाक है तुम्हारे, इनको पूजते रहना। हर दौर में जब भी पैगाम तौहीद दिया जाएगा तो शैतान बाज ऐसे नाम जिनकी अजमत के लिए खालिक व मालिक ने कोई दलील नहीं उतारी, वो नाम तराशे हुए हैं। सम्मैतुमूहा, तुमने वो नाम रखे हैं, तुम्हारे आबा अजदाद ने रखे हैं, खालिक ने तो कोई दलील नहीं उतारी। वो उन नामों को सामने कर देता है और तौहीद से ना आशना जाहिल उन नामों के तकद्दस के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह का एक मुजरिम, एक कबर परस्त, एक जालिम जिसने अपना नाम लासानी सरकार रखा हुआ है, लासानी जिसकी कोई हमसर ना हो, उस जैसा कोई और ना हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये मखलूक जो खाती है, जो पीती है, जिसको पेशाब और पखाने की हाजत होती है, वो अपने नाम इस तरह के भी रख सकती है। अहले तौहीद कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन अहले शिर्क, उन्होंने अल्लाह खालिक व मालिक की सिफात
अपने पीरों फकीरों बाबों बुजुर्गों के अंदर बांटी हुई है। वो अकेला तन्हा मालिक है, वो अल्लाह है, वो खालिक है। लैस कमिस्ली ही शै, जिसकी कोई मानिंद नहीं, जिसका कोई हमसर नहीं, जिसके कोई बराबर नहीं, जिस जैसा कोई नहीं। लैस कमिस्ली ही शै, वो तन्हा और यकता है अपनी जात और सिफात और इबादत में, उस जैसा कोई नहीं है, उसका हमसर कोई नहीं है, उसका हम पल्ला कोई नहीं है, उसके बराबर का कोई नहीं है। लेकिन अफसोस इन मुर्दा परस्तों पर, इन पीर परस्तों पर, इन कबर परस्तों पर, इन्होंने अपने बाबों को वही नाम दे रखे हैं, लासानी सरकार, इस जैसा कोई नहीं। ये इंसान है, इस तरह के करोड़ों इंसान, वो खरबों इंसान दुनिया में हैं। ये खाता है, इस तरह के इंसान वो खाते हैं, इसको पेशाब पखाने की हाजत होती है, और इस तरह के इंसानों के साथ ये माजरा खालिक ने रखा है। ये किस लिहाज से लासानी हो गया? और इसके उर्स पर अल्लाह की तौहीद की गैरत रखने वाले एक शख्स ने माइक हाथ में लिया और कहा कि ये पीर लासानी नहीं है, अपनी जात और सिफात और इबादत में कोई यकता है, जिसका कोई शरीक, जिसका कोई हमसर, जिस जैसा कोई नहीं, वो तन्हा अल्लाह है, अल्लाह लासानी है, उसका दूसरा कोई नहीं, उसके बराबर का कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं। बजाय कि इस अहले तौहीद की ये पुकार सुनकर कबूल की जाती, ला इलाहा इल्लल्लाह के करार किया जाता, इस तागूत का इनकार किया जाता जो अपनी इबादत करवा रहा है, जो अपने आप को वो सिफात दिए बैठा है, या इसके मुरीदों ने इसे वो सिफात दे दी है जिसका ये हकदार नहीं, उस अहले तौहीद की बात को कबूल नहीं किया गया, बल्कि कबर परस्त मुजावर, कबर परस्त मुरीद आगे बढ़ते हैं और इसके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। हम इस भाई को मुबारकबाद देते हैं कि तुझे रब के लिए थप्पड़ पड़े हैं, तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए थप्पड़ पड़े हैं, तुझे रब की वहदानियत के लिए थप्पड़ पड़े हैं। ये थप्पड़ बड़े मुबारक है कि तुझे तौहीद के दिफा के लिए पड़े हैं। और रब से दुआ करते हैं, अल्लाह तेरे जाहिर और बातिन को ऐसा बना दे कि तू अल्लाह के प्यारों में शामिल हो जाए, और कयामत के दिन तुझे उस हदीस का मिसदाक बना दे कि मवाहिद को, अल्लाह की तौहीद को समझने वाले को, ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल से पढ़ने वाले को कयामत के दिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफायत नसीब होगी। अल्लाह तुझे भी उन प्यारों में शामिल फरमा दे जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफायत मिलेगी, और वो शफायत उसको मिलेगी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह के करार किया होगा खालिस दिल के साथ, एक अल्लाह को राजी करने के लिए। होना तो ये चाहिए था इस भाई की दावत पे लब्बैक कहने वाले उठते, लेकिन इसको मारने वाले उठे, इसके मुंह पे थप्पड़ बरसाने वाले उठे। क्यों? मुशरिकों से तौहीद की दावत हजम नहीं होती। इसने किसी को कुछ नहीं कहा, इसने तो अपने रब की वहदानियत का वादा लगाया। और इस भाई की ये जुर्रत उन दयूस मौलवियों के लिए भी एक दरस है जो अहले शिर्क के प्रोग्रामों में जाते हैं और शिर्किया नारों पे खामोशी इख्तियार करके गूंगे शैतान बनते हैं। अगर आपको मौका मिला है किसी ऐसे मजलिस में शरीक होने का और आपके सामने माइक रखा जाता है, तो फिर उस शिर्क का रद्द कीजिए जो आपके सामने हो रहा है। कहने को मुफ्ती हैं, कहने को शेखुल हदीस हैं, कहने को नाज़मे तबलीग हैं, कहने को बड़े बड़े अलकाबात वाले हैं, लेकिन उनके सामने यह अली मदद का नारा लगता है और उनकी गैरत और शर्म नहीं जागती। ये दयूस है, ये बेगैरत है, ये रब की तौहीद को समझने वाले नहीं है और समझते हैं कि हम बड़ा कमाल करके आए, तुमने रब की तौहीद को अपनी मौजूदगी में जो गालियां दिलवाई, गैरुल्लाह की अकीदे, गैरुल्लाह की इबादत के जो अकीदे तुम्हारे सामने बयान हुए, गैरुल्लाह की पुकार के नारे तुम्हारे सामने बयान हुए, तुम खामोश रहे और फिर समझते रहे कि हम अहले हदीस है, अहले हदीस से मसलक, अहले हदीस से मनहज, अहले हदीस से सलफ के तरीके से तुम्हारा दूर का रिश्ता भी नहीं है, तुम सियासत के और दुनिया के चंद टुकड़ों के लिए अपने दीन और ईमान को बेचकर आते हो, उर्सों में शरीक होते हो, नारे रिसालत, नारे हैदरी बर्दाश्त करते हो,
शिर्क के मनाजर को बर्दाश्त करते हो, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के झूठे नारे की बुनियाद पर सिर्फ दुनिया के चार टुकड़े तो तुम्हें मिल जाएंगे। रब की इज्जत, रब के यहां इज्जत, रब के यहां मोहब्बत, रब के यहां कबूलियत नहीं पा सकते। क्यों? उसके लिए लाजिम है कि अगर आपके अंदर गैरत है तो ईमान का इजहार कीजिए, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह का आवाजा लगाइए, अपने सामने होने वाले शिर्क को कम से कम हाथ से रोकिए, नहीं रोक सकते जुबान से रोकिए, नहीं रोक सकते उस मजलिस को छोड़ के उठ जाइए। और ये ईमान का आखिरी दर्जा है, इसके बाद फिर ईमान नहीं है। और आखिरी बात, उन भाइयों के नाम जो चाहते हैं कि धरती पे इस्लाह हो जाए, इस्लाह का तरीका यही है कि जहां शिर्क देखो वहां तौहीद का आवाजा लगाओ, वहां कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम दो, वहां आवाज बुलंद करो कि अल्लाह मुश्किल कुशा है, अली मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह हाजत रवा है, अली हाजत रवा नहीं है, अल्लाह औलाद देने वाला है, कोई पीर औलाद देने वाला नहीं है, अल्लाह एक ऐसी जात है कि उसका सानी नहीं है, उसका हमसर नहीं है, लैसा कमिस्लिही शय, ये शान किसी और को नहीं मिल सकती। इस तौहीद के पैगाम को आम करो, जब शिर्क का रद्द होगा, तौहीद का पैगाम आम होगा, तो फिर नतीजा जमीन की इस्लाह की सूरत में निकलेगा, फिर आसमान और जमीन से रहमत के खजाने फूटेंगे। और अगर आपने ये समझा कि दावत तौहीद तो इंतशार, इख्तलाफ, इफ्तराक का जरिया है, सबको साथ मिलाइए, उर्स वालों की महफिलों की भी रौनक बन जाइए, नौ मुहर्रम के अंदर भी जाके जाकिरों की बगलों में हाथ में बाहों में बाहें डाल के बैठ जाइए, तौहीद के पैगाम को भुला दीजिए, या अली मदद के नारों को ठंडे पेटों बर्दाश्त कीजिए, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह के नारों को ठंडे पेटों बर्दाश्त कीजिए, और आप चाहें कि अब इस्लाह भी हो जाएगी जमीन की, धरती की इस्लाह वैसे ही होगी जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे आका ने कैसे की थी, दावत तौहीद से। तौहीद निजात है, तौहीद सफीना नूह है, जो इसमें सवार हो गया वो कामयाब, और जिसने इसको छोड़ दिया वो हलाक बर्बाद हो गया। इन दो दिनों के अंदर दो अहम वाकयात देखने को मिले सोशल मीडिया पर, एक ये भाई जिसने उस पीर के उर्स पे खड़े होकर हक अदा किया कि ये पीर झूठ बोलता है, ये लासानी नहीं है, इस तरह के करोड़ों इस धरती के ऊपर ऐसे इंसान मौजूद हैं, और ये तो शिर्क के अंदर डूबा हुआ बदतरीन मुशरिक है, जो अपनी पूजा करवा रहा है, जिसने अपने मुरीदों को पटिए पढ़ाई हैं को मेरे ऊपर उंगली उठाए तो उसको पकड़ लो, भले वो एक अल्लाह का नाम ले, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और दूसरा वाकया उस औरत का, जिसको जूतियां चटवाई गई, जिसको माफी मंगवाने के लिए जुबान जूतियों पे लगवाई गई, वो क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो अपनी जगह पर, लेकिन याद रखिए जब इस्लाम के कानून को तोड़ा जाएगा तो नतीजा इस तरह का निकलेगा। जब बेपर्दगी आम होगी, जब औरत और मर्द का आपस में मुलाकातें, गिफ्ट तोहफे तहाइफ लिए और दिए जाएंगे तो शैतान तो कार्रवाई डालेगा, लेकिन किसी ने कितना बड़ा ही जुर्म किया हो, इंसानियत की तजलील का यह मंजर इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, और कानून को हाथ में लेने का इस्लाम इजाजत नहीं देता। आप दुनिया में किसी लिहाज से कितने ही बड़े हों, इस मंजर को ना भूलिए कि कयामत के दिन जब अल्लाह के सामने पेशी होगी, वहां आपका ना कोई ओहदा काम आएगा, वहां आपका ना कोई सियासी असरो रसूख काम आएगा, ना दुनिया के माल और जर की चमक काम आएगी, जिसका नाम आमाल उसके बाएं हाथ में दे दिया गया वो आवाजें लगाएगा, या लैतनी लम उत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैता कानत अलकाज़िया, नाम आमाल बाएं हाथ में मिल गया, वो कह गया काश मुझे इसकी खबर ना दी जाती, मैं वो जो मरा था वो मौत ही मेरी आखिरी होती, मुझे दोबारा उठाया ना जाता, ना मेरा माल काम आया, हालांकि सुल्तानिया
ना मेरी चौधराहट काम आई, ना चौधराहट, ना माल, ना अहलोयाल, ना कोई ताल्लुकात। और अगर रब की तरफ से फैसला हो गया जहन्नम का ईंधन बनाने का तो क्या कहा जाएगा? खुजूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, पकड़ो इसे, जकड़ो 70 गज लंबी जंजीरों में लपेट के जहन्नम में फेंक दो। तो किसी पर जुल्म करने का अगर इरादा बने, दिल चाहे किसी कमजोर पे हाथ उठाने का, तो ये तो याद रखा करो कि तुमने भी एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है, एक दिन अल्लाह की अदालत लगनी है, उस अदालत में तुमने पेश होना है। क्या जवाब दोगे? जुल्म इस दुनिया पे जितना किसी पे करोगे उतने ही अंधेरे क्यामत के दिन तुम्हारे इस्तकबाल में होंगे। प्यारे भाई, अल्लाह की वहदानियत को समझिए और अल्लाह के सामने पेश होने की घड़ी को हमेशा याद रखिए। एक दिन आपने और मैंने वहां पर पेश होना है, एक दिन मैंने और आपने वहां पर हाजिरी लगवानी है जहां पर दो फरिश्ते सायक और शहीद मुझे और आपको चलाते हुए लाएंगे खालिक और मालिक की अदालत में। एक आपकी और मेरी डायरी पढ़ता आएगा, फायदा खजा व खजा फी यौमी खजा व खजा, फला दिन फला जगह फला जमीन पे खड़े होकर फला काम किए थे। एक चलाता वाला आएगा सायक फरिश्ता, और एक डायरी पढ़ता हुआ आएगा बंदा। अल्लाह के सामने खड़ा होगा, अल्लाह के सवाल होंगे, बंदे के जवाब होंगे। दाएं तरफ देखेगा, ला यरा इल्ला अमालु, सिवाय अपने अमलों के कुछ नजर नहीं आएगा। बाएं तरफ देखेगा, सिवाय अपनी खताओं के कुछ नजर नहीं आएगा। सामने दहकती हुई आग होगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो आज दुनिया की झूठी ताकत की बुनियाद पे आप किसी को जूतियां चटवाएं, किसी को इस तरह जलील करें, तो क्यामत के दिन अगर अल्लाह ने इसका हिसाब मांग लिया तो क्या जवाब होगा? ये जिंदगी सदा नहीं रहने वाली, ये दुनिया सदा नहीं रहने वाली। एक दिन ये सारा माजरा खत्म होना है और मैंने और आपने अल्लाह के सामने पेश होना है। अपने हर कदम पर, अपने हर अमल पर रुक के सोचिए, क्यामत के दिन इसका सवाल हुआ तो जवाब क्या दूंगा, अल्लाह ने पूछ लिया तो कहां से जवाब दूंगा। आखिरी हदीस सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मिस्कीन कौन है? जवाब में सहाबा ने कहा, जिसके पास माल जर दौलत नहीं है। कहा नहीं, ये मिस्कीन नहीं, ये तो दुनिया का मिस्कीन है। अल्लाह के यहां मिस्कीन कौन है? फरमाया, अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने और अल्लाह वही करके अपने हबीब को बता दे, हमें तो खबर नहीं है। फरमाया, वो जो क्यामत के दिन आएगा, नेकियों के अंबार लाएगा, हां कुछ मजलूम होंगे जिसने उसके दामन को थामा हुआ होगा। वरबनी हादा अखद माली हादा, इसने मेरा माल छीना, मुझे मारा, मेरी गीबत की, मुझ पे जुल्म किया। जवाब मिलेगा, दे बदला। कहेगा, कहां से दूं, वो तो सब कुछ दुनिया में रह गया। ऑर्डर आएगा कि हां नेकी ये तूने की, मजलूम तेरी नेकी ले जाएंगे। कुछ बदनसीब ऐसे होंगे जिनकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी लेकिन सवाली मौजूद है। मालिक फरमाएगा, इनको भी बदला दे। कहेगा, आप कहां से दूर, तो नेकियां भी खत्म। मजलूम के गुनाह जालिम के सर पे लाद दिए जाएंगे और ये गुनाहों को लेकर, नेकियां मिटवाकर, गुनाहों का भार उठाकर जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। जुल्म करने से पहले ताल्लुकात दुनिया के आपको उभारे जुल्म पर, रोकिए अपने आप को कि एक दिन वो भी आना है। लिमानिल मुल्क अल्यौम, जिस दिन खालिक और मालिक का वादा होगा, आज बादशाहत किसके हाथ में है, आज कौन है? ऐन अल जब्बारून, ऐन अल मुतकब्बिरून, कहां के जमीन में अकड़ने वाले, कहां के जमीन में जबर की कुव्वत दिखाने वाले, आज कहां है? और वहां कोई नहीं होगा। लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, वो दिन, उस दिन बादशाहत, शहनशाह आजम सिर्फ एक अल्लाह होगा। तो प्यारे भाई, इस दुनिया के अंदर अपने मामला दुरुस्त कर लीजिए। किसी पे जुर्म किया है तो माफी मांग लीजिए, किसी का माल छीना है तो वापस लौटा दीजिए, उस वक्त के आने से पहले जब ये उठे हुए हाथ ढलक जाएंगे, ये चमकती हुई आंखें बेनूर हो जाएगी, ये बोलती हुई जुबान लड़खड़ाकर खामोश हो जाएगी, ये धड़कता हुआ दिल खामोश ठंडा हो जाएगा, रूह निकलकर अपने रब की तरफ चल पड़ेगी। उस वक्त जिसको ये आवाज़ पड़ गया,
इस मुबारक रूह को बाहर निकाल, तेरा अल्लाह तुझसे राजी है, वो खुश नसीब है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम वमाअहुम वफीहिम। और जिसको ये आवाज़ पड़ा अपनी खबीस रूह को बाहर निकाल, तेरा अल्लाह तुझसे नाराज है, ये बदनसीब इंसान है। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे प्यारे नामों का वास्ता है मौला, अपनी रहमत से हमें खुश नसीबों में शामिल फरमाना। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, मौत इस हाल में आए, मौला तू हमसे राजी हो, हम तुझसे राजी हो। मौला तेरे फरिश्ते आकर हमें खुशखबरियां दें, ये आवाज़ें लगाएं कि हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त। इस हाल में बुलाना कि फरिश्ता पैगाम लेकर आए, ऐ मुबारक रूह बाहर निकल, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया। कामयाबी ये नहीं है, हुस्ने खातिमा ये नहीं है कि आपकी मौत लाजिम सजदे में ही आए, लाजिम कुरान पढ़ते हुए आए, लाजिम मस्जिद के अंदर इबादत करते हुए आए। अगर आप तौहीद पे मरे हैं, अगर आप सुन्नत पे मरे हैं, अगर आपका दामन जुल्म से साफ है, किसी पर जुल्म नहीं ढाया, आप ईमान और अकीदे पर मरे हैं, तो आपकी मौत बड़ी प्यारी मौत है। और अगर आप ईमान और अकीदे की दौलत से महरूम शिर्क और बिदात और खुराफात पे मरे हैं, तो भले आप हज करते हुए भी मर जाएं, अगर बदअकीदगी पर मौत हुई है तो बड़ी ही बुरी मौत है। अल्लाह हमें अपनी रहमत से दीन इस्लाम पर, दीन पर कायम रखे, ईमान की बेहतरीन हालत में जिंदा रखे और ईमान की बेहतरीन हालत में मौत दे, इस हाल में मौत दे। अल्लाह हमसे राजी हो, हम अपने अल्लाह से राजी हो। अकूलु कौली हाजा वास्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन।